दोस्तों वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेड जंक्शन पर। तो फरवरी माह का अंतिम ये वीडियो है करंट अफेयर्स का, तो और इसमें भी हम प्रयास करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने की, कुछ योजनाओं को समझने की और इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स भी तैयार करने की। तो नित्य प्रतिदिन यदि आप पढ़ रहे हैं, रेगुलरिटी रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आर एस 2021 आपका है। किसी तरह की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस एक जो चिंता है वो ये होनी चाहिए कि कहीं आपकी पढ़ाई नियमितता को छोड़कर परे तो नहीं जा रही। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री अर्थात इकोनॉमिस्ट को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के न्यूयॉर्क ऑफिस का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जो न्यूयॉर्क ब्रांच इसकी है, न्यूयॉर्क में जो इसका मुख्यालय है वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का प्रमुख नियुक्त किया गया है लीजिया नोरोन्हा को, जो कि भारतीय मूल की अर्थशास्त्री हैं। दोस्तों UNEP के बारे में मैंने आपको बताया भी था हाल ही में कि किस तरह से स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 के माध्यम से 5 जून को इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे जो संयुक्त राष्ट्र जिनमें भागीदारी करता है उनको एड्रेस करता है। तो भारतीय अर्थशास्त्री है लीजिया नोरोन्हा, जिनको इस कार्यक्रम का मुखिया नियुक्त किया गया न्यूयॉर्क ऑफिस में। लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फील्ड में वो काम कर रही हैं और यहाँ पर अब वे एक अन्य भारतीय अर्थशास्त्री सत्य त्रिपाठी का स्थान लेंगी। वर्ष 2014 से नोरोना नैरोबी स्थित UNEP की अर्थव्यवस्था शाखा में निदेशक पद पर कार्यरत है। तो वहाँ पर ये डायरेक्टर हैं। उन्होंने हरित और समावेशी अर्थव्यवस्था अर्थात ग्रीन एंड इंक्लूसिव इकोनॉमीज जो हैं, टिकाऊ खपत, ठीक है, सस्टेनेबल कंजम्पशन और उत्पादन प्रोडक्शन व्यापार और टिकाऊ वित्तीय व्यवस्थाएं, सस्टेनेबल इकोनॉमिकल जो सिस्टम्स हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए काम किया है। UNEP के साथ जुड़ने से पहले लीजिया ने नई दिल्ली में स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी, जो कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाला अग्रणी संस्थान है, उसके कार्यकारी निदेशक के तौर पर भी काम किया है। इसके अलावा वह संसाधन नियामक और वैश्विक सुरक्षा शाखा में बतौर निदेशक भी जिम्मेदारी संभाल सकी हैं। दोस्तों गुलदस्ता करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2020 राजस्थान का जो है वो आर एस जंक्शन ऐप पर अवेलेबल है, जो 2020 की सभी खबरों को समाहित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिया ने मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में परा स्नातक की डिग्री हासिल की है, जबकि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD किया है। तो इकोनॉमिक्स में ये काफ़ी बहुत सी डिग्रीज इन्होंने ली है। फरवरी 2021 में ही अगर हम बात करें नियुक्तियों की, जैसे कि लीजिया को किया गया, उसी तरह से जो एंटोनियो गुतेरस है उन्होंने उषा राव मोनारी, जो कि भारतीय मूल की हैं, उन्हें भी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का संयुक्त प्रशासक नियुक्त किया था। तो एक और नियुक्ति जो है UNEP में भारतीय मूल की यहाँ पर की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दोस्तों जो टॉय मेला या टॉय फेयर जो है, पहले टॉय फेयर का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल तरीके से, ताकि देश को खिलौना उद्योग में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और इसी क्रम में कुल कितने टाई क्लस्टर्स मैन्युफैक्चरिंग जो ब्रांचेस हैं उनको मंजूरी दी गई है? तो टोटल मिलाकर के 8 क्लस्टर्स पूरे देश में अलग अलग जो हमारे इंडस्ट्रियल जोन हैं उनमें स्थापित किए जाएंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो भारत के बढ़ते खिलौना उद्योग को मंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 27 फरवरी से 2 मार्च तक डिजिटल माध्यम से टॉय फेयर आयोजित करने का फैसला लिया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में वोकल फॉर लोकल अर्थात लोकल चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासों को लेकर के, और देश को खिलौना निर्माण का वैश्विक हब बनाने के लिए, क्योंकि देश में बहुत बड़ी मात्रा में खिलौनों का जो है उपयोग किया जाता है और ज़्यादातर खिलौने चीन और बाकी अन्य देशों से आयातित किए जाते हैं। तो इसको लेकर के शिक्षा मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय मिलकर के आयोजन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में 8 टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को मंजूरी दी है। इन क्लस्टर्स के जरिए देश में जो 2300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इन क्लस्टर्स पर, और यहाँ लकड़ी, लोहे, ताड़ के पत्ते, बांस और कपड़े से निर्मित खिलौनों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। तो प्लास्टिक फ्री खिलौनों की ओर बढ़ेंगे ताकि पर्यावरण प्रदूषण को भी रोका जा सके। केंद्र की योजना के मुताबिक मध्य प्रदेश में 3, राजस्थान में 2, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में एक एक क्लस्टर का निर्माण होगा। वर्तमान में एक योजना है जिसका नाम है स्फूर्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत ही कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 2 टॉय क्लस्टर्स बनाए गए हैं। तो स्फूर्ति योजना क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों
पारंपरिक उद्योग जितने भी हमारे हैं, जो खास करके हस्तनिर्मित उद्योग होते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर ज़्यादा प्रचलित है, उनको उत्पादक अर्थात प्रोडक्टिव और प्रतिस्पर्धी अर्थात कंपिटिटिव बनाने के लिए, सतत विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने 2005-06 में पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए एक कोष बनाने की घोषणा की थी। तो स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्फूर्ति ये नाम था। इस घोषणा के बाद में ही इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तो स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, पारंपरिक उद्योगों को विकसित करने के लिए एक फंड की ये योजना है, जिसको हम स्फूर्ति योजना के नाम से जाने जाता है, और इसी के अंतर्गत इन क्लस्टर्स का निर्माण किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी अपनी तैयारी कर सकते हैं आगामी सब इंस्पेक्टर 2021 एग्ज़ाम की। डेडिकेटेड मैटर के साथ में आप डिटेल्ड वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू क्विज, 2 ईयर की वैलिडिटी और बहुत से अन्य लाभों के साथ हिंदी का जो पेपर है, पेपर 1 SI में, उसकी तैयारी कर सकते हैं मात्र 999 रुपये में। तो आज ही RS जंक्शन ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, उसकी शॉटगन विश्व कप प्रतियोगिता जो है, उसमें भारतीय निशानेबाजी मेन स्ट्रीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया? सही उत्तर होगा कांस्य पदक। तो तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक यहाँ पर प्राप्त किया है। मेन स्ट्रीम में मिराज अहमद खान, अंगद वीर सिंह बाजवा और गुरजोत खंगूरा जैसे खिलाड़ी थे जिन्होंने मिस्र के शूटिंग क्लब में कांस्य मैच में कजाकिस्तान को हराया। इससे पहले रूस ने फाइनल में चेक गणराज्य को 6-0 से हरा करके स्वर्ण पदक भी जीता था। हालांकि भारतीय टीम ने यहाँ पर भी बहुत प्रयास किया था कि वो फाइनल में पहुँचे, लेकिन 6-5 से उन्हें रूस के सामने हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय वुमेन इसकी टीम भी जो है सेमीफाइनलिस्ट रही और उस टीम को कजाकिस्तान के खिलाफ कांस्य पदक मैच में हार का सामना करना पड़ा और वो चौथे स्थान पर रही। तो कांस्य पदक हमारी पुरुष टीम द्वारा जीता गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको हम पूसा के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा एक सौर ऊर्जा से चलने वाले फ्रिज का विकास किया गया है, जिसकी क्षमता 2 टन है, अर्थात वो 2 टन तक सब्जियों और फलों को सुरक्षित रख सकता है। तो लगातार बढ़ते जीवाश्म ईंधन के जो दाम हैं, उनको देखते हुए किसानों को एक बेहतरीन तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उपाय जो है उपलब्ध कराने का प्रयास सरकार कर रही है, और इसी क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने सौर ऊर्जा से चलने वाले फ्रिज की तकनीक का विकास किया है। पूसा फार्म सन फ्रिज के रखरखाव का खर्च 0 होगा और इसमें 2 टन फल और सब्जियों को रखा जा सकता है। ये फ्रिज 10 फुट लंबा, 10 फुट चौड़ा और 10 फुट ऊंचा है, और इसके लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अर्थात टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए, जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब होता है किसी भी इंस्टीट्यूट में टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है और उसके इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए उसे किसी कंपनी को जो उसमें फर्म पैसा लगाकर बड़े स्तर पर उत्पादन करती है उसे दिया जाता है। तो जयपुर की एक निजी कंपनी को ये ट्रांसफर किया गया है ताकि इनका बड़े स्तर पर उत्पादन हो सके। अगर बात करें तो दोस्तों, देश में उत्पादन के बाद करीब 30 से 40% फल और सब्जियां नष्ट हो जाती है। इसके अलावा करीब 10% अनाज भी नष्ट हो जाता है, जिससे 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जिसे बचाया जा सकता है यदि हम समय पर शीत भंडारण की व्यवस्था कर सकें। राजा कृष्णदेव राय, जिन्हें जाना जाता है विजयनगर साम्राज्य के लिए, उनकी मृत्यु की सटीक तिथि के संबंध में एक शिलालेख हाल ही में खोजा गया आपके कर्नाटक राज्य में। तो विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक राज्य में ही फैला हुआ था, वर्तमान कर्नाटक जो है वहीं पर ये फैला हुआ था, और विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु की सटीक तिथि देने वाला शिलालेख कर्नाटक के तुमकुरु जिले के होनाहल्ली में खोजा गया है। वैसे तो राजाओं की मृत्यु का कोई रिकॉर्ड हमारे यहाँ पर नहीं होता, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखा गया है जब किसी राजा की मृत्यु को भी रिकॉर्ड किया गया है। कन्नड़ भाषा के शिलालेख के अनुसार भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु 17 अक्टूबर 1529 को रविवार के दिन हुई थी। विजयनगर या विजय का शहर एक शहर और साम्राज्य दोनों ही था, और इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में अर्थात 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर और बुक्का द्वारा किया गया था, जबकि राजा कृष्णदेव राय जो हैं इसी पर शासन करने वाले तुलु वंश के शासक थे। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स, जिनके साथ ही हमारा फरवरी महीने का पूरा करंट समाप्त होता है। जल्दी ही आपको जनवरी और फरवरी की 2 महीने की जो
गुलदस्ता पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएगी आर एस जंक्शन ऐप पर, जिससे आपने अगर मिस की है कोई क्लासेस तो उनको रिविज़न आप कर पाएंगे। तो टाइमली दोबारा से पढ़ते रहें, क्योंकि बहुत से कंसेप्ट्स में आपके क्लियर होते हैं जो आर एस परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सभी वीडियोज़। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।